जब किसी पक्ष के अंदर बीजेपी के खिलाफ भारतीय जनता ऐसी लड़ाई शुरू हो गई, यह भारत किसी पार्टी के हाथ में नहीं रही, ये लड़ाई अब जनता हाथ में ले रही है, क्योंकि इस लड़ाई में जनता को मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने 10 साल में किए हुए झूठे वादे, 2 करोड़ नौकरियां, गैस का दाम आज का, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स का स्कैम, चाइना से अंदर घुस रहे चाइनीज सैनिक और इनकी बौखलाहट, ये सब दिखाई देने के बाद ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी के पास ही चुनावी मुद्दे नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान, इससे लोगों का पेट नहीं भर रहा है। गरीबी दिन भर दिन बढ़ते जा रही है। भारत का निर्देशांक नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका से नीचे जा रहा है। भूख में ये देश अब कई कहाँ का कहाँ चाह चुका है। जब आप ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाते हैं, इसका मतलब स्वावलंबी भारत नहीं है, परावलंबी है। और ये परावलंबी इसलिए चाहते हैं कि इनको खाना दो तो इनका हाथ पकड़ के रखो। और यही डिक्टेटरशिप, हुकमशाही, तानाशाही की पहला कदम है। यहाँ पे 2 नामांकन दाखिल किए हैं और सबसे पहले तो भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में सभी मतदाता भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज सभी लोग, आपने देखा होगा, बड़ी तादाद से यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आए हैं। उनका उत्साह आपने देखा होगा, उनका जोश आपने देखा होगा। बस यही जोश 20 मई तक टिका रहेगा और 4 जून को रिजल्ट के माध्यम से आपको दिखाई देगा। मामा, जनता यहाँ पर हमने देखा कि आपके ऊपर काफ़ी विश्वास जता रही है कि आप जो है अगर इस लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार के घर चुनकर आते हैं तो रोजगार पर और जो है यहाँ की जो पावर इंडस्ट्री है और टूरिज्म पर, इस पर किस तरह से आपकी भूमिका रही है? देखो, पहले तो जनता का विश्वास मेरे ऊपर है और मेरे से ज़्यादा महाविकास आघाड़ी के सभी पक्ष, सभी नेता के ऊपर है। आपने देखा होगा आज यहाँ पे भिवंडी की सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार महाविकास आघाड़ी गठबंधन में लड़ रही है और आपने देखा होगा, लोगों का प्यार भी देखा होगा। तो लोगों को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग ये जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं ये सिर्फ डेवलपमेंट के, विकास के मुद्दे पे, जैसे टोरंटो जैसी कंपनी है, ये कंपनी को हटाने के लिए आपने पावर लूम का स्थिति देखा होगा, पानी का स्थिति देखा होगा, सभी क्षेत्र में आपने देखा होगा, एजुकेशन रहे, हॉस्पिटल रहे, आरोग्य का रहे, जो डेवलपमेंट का रहे, सभी बात में एक खासदार निष्क्रिय है, कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। और लोगों का जो गुस्सा आपने देखा, उनकी उत्साह के माध्यम से, बस मामा आपने आज कौन से फॉर्म भरा, बी फॉर्म भरा है या मामा सीधी लड़ाई किससे आपकी, देखा जाए तो भाजपा और यहाँ पर आजाद उम्मीदवार जो है, नहीं आज लोगों ने दिखा दिया सीधी लड़ाई किसी से भी नहीं है, जीत हमारी पक्की है, ये आपने देखा होगा। हाँ, कैसे जंगल मामा जाप पद्धति ना।